तो देखो हम लोग आज जो जिक्र करेंगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री का एग्जाम्पल 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पूरा एग्जाम्पल आज आपको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को हल करने से पहले एक बार फिर मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। फर्स्ट सूत्र, आप सूत्र नंबर वन, सूत्र नंबर यहाँ पर दो, ये तीन, फिर चार, चार आपका फार्मूला यूज करना है। पहला था आपका कि अगर कह दिया कि स्पर्श रेखा का पुनरावर्तन, कहोगे सर होगा डी वाई बटा डी एक्स, जो माना जाएगा यही स्पर्श रेखा की क्या हो जाएगी, पुनरावर्तन। अभिलंब रेखा का पुनरावर्तन, कहोगे सर माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स, ये होता है, ठीक है। तीसरा नंबर आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, कि स्पर्श रेखा का समीकरण जब कहें, स्पर्श रेखा का समीकरण, अच्छा इसमें बिंदु दिया होगा x1 y1 और परवर्ता दिया होगा dy बटा dx, ये दो दिया रहेगा, ये दिया रहे एक बिंदु, ये तो होता है वाई माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन, यही आपका स्पर्श रेखा की समीकरण होता है। समीकरण जब भी कहेगा तो उसमें एक्स वाई होना चाहिए, मैं कल भी आपको बताया था। फोर नंबर जब आपसे पूछे अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब के समीकरण का होता है वाई माइनस वाई वन और माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स और एक्स माइनस एक्स, तो इस तरीके से ये हमारे पास का कुछ सूत्र हैं। चार सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग पूरा अभ्यास का सवाल लगा सकते हैं। तो चलो बहुत अच्छा से एग्जाम्पल नंबर हम लोग शुरू करते हैं आज, कौन 14 नंबर, चलो यहाँ में लग जाएगा एग्जाम्पल नंबर 14। देखो कहता है कि x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x पर 3 माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको बताना है। x बराबर आपका 2 दे दिया, एक वक्र दिया है y बराबर x पर 3 माइनस एक्स, तो क्या कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बताएं, कैसे बताएंगे जरा सोचो। हम इसको क्या करेंगे, जो सवाल है हल करते हैं। देखो बाबू ध्यान से सब लोग, y बराबर है x के ऊपर 3 माइनस एक्स और हमें क्या निकालना है प्रवणता, जब ये प्रवणता की बात करेगा तो हमें dy बटा dx चाहिए और dy बटा dx कब आएगा, जब हम इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो dy बटा dx आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा dy बटा dx, अभी आपके पास हो जाएगा d dx, x पर 3 डी डी एक्स फिर एक्स, तो जाएगा 3x² - 1 यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर इतना आ गया, ठीक है। पुनः आप देखिए यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स, एक्स बराबर का हो गया 2, तब 3 × 2 ( 2 - 1 3 × 2 = 4 - 1 तब 12 - 1 11 हमारा आंसर आ गया, प्रवर्तक हमारा कितना आ गया 11। कुछ समझा, पहले इसका आकलन करो, कर दिया हमने आगे इतना, फिर एक्स पर जो 2 दिया है यहाँ एक्स के जगह पर रख दो, वो जो हमारा आंसर निकल जाए, ठीक है। अब उदाहरण नंबर आते हैं 15 के पास, उदाहरण 15। देखो जो उदाहरण 15 है वो हमसे कह रहा है कि वक्र y बराबर तलनी में 4x - 3 और क्या दिया है -1 है, पर उन बिंदुओं के ज्ञात कीजिए
जिस पर स्पर्श रेखा की परावर्तक दिया है। अच्छा बाबू, जब हमें बिंदु निकालना हो, का निकालना हो, बिंदु निकालना हो, तो बिंदु के लिए क्या करेंगे हम, एक सर्वाई का मान निकालना होगा। माने कहने का मतलब है कि जब भी क्वेश्चन में कहे कि आप बिंदु निकालिए, तो इसका मतलब है कि एक सर्वाई का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलो इसमें क्या दिया है हम आपको बताते हैं। इसमें पहले तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वक्र दिया है, वक्र वाई बराबर कर्णी के अंदर आपके पास है 4x-3 और फिर माइनस क्या है 1 है। बस समझ रहे, आप परावर्तक जब भी कहेगा तो परावर्तक के तो जगह पर जाते ही हम dy/dx लिखेंगे, बराबर कितना दिया है 2/3 दिया है। ये सवाल, ठीक है, सवाल में क्या कहा, सवाल में हमारे पास बिंदु निकालना है यानी एक्स वाई का मान निकालना है और परावर्तक दे दिया है, वक्र दे दिया, यानी क्या करना है ना, आप इसको पहले जो वक्र है उसको हल करो। चलो यहाँ पर y बराबर कर्णी में 4x-3-1 इतना हुआ, समझो बाबू। हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, क्योंकि हमें जब परावर्तक की बात होगी तो dy/dx का मान इतना है, हम इसका अवकलन करेंगे और जहाँ dy/dx होगा उसके जगह पर 2/3 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और फिर जो x का मान निकलेगा उसको जो ये समीकरण है इसको मेन एक मान लो, इसमें रख देना तो y का निकल जाएगा। बस समझ रहे हो, तो क्या कहोगे, यहाँ पर लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या होगा dy/dx और dx कर्णी में 4x-3- dx और 1 हो जाए, तो क्या हो गया, ये जो इसका अवकलन करोगे तो पहले तो कर्णी वाला जो भी होता है, एक काम करो पहले dy/dx का मान यहाँ पर दिया है 2/3, इसको रख दो यहाँ पर, रखो 2/3, इसका अवकलन करोगे तो 1/2 कर्णी में 4x-3 वैसे ही रखेंगे, फिर अंदर वाला का अवकलन तो केवल 4 हो जाएगा, 3 का तो 0 और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो तो ध्यान से क्या क्या कटेगा इसमें, देखो ये 2 से आपका 4 कट गया 2 बार में, फिर इस 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, बच गया हमारे पास 1/3 बराबर 1/4x-3, तीसरा जी गुणा कर चलो इसका इसमें, तो कर्णी में 4x-3 बराबर 3 से गुणा 1 में करोगे 3, अब यहाँ पर लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि कर्णी में जी, कर्णी से बाहर निकालने के लिए वर्ग ही करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कर्णी में क्या आ जाएगा 4x-3 इसका होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, ये कर्णी से बाहर निकल गया, ये 3 है तो 9 हो जाएगा, 4x बराबर 9 प्लस 3, 4x बराबर कितना हो गया, इधर आ जाते हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 9 × 3 = 12, अरे 9 + 3 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब हम लोग 12 हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो 12/4 हो गया, 4 से 12 काटेंगे 3 बार में तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 आ गया, बात समझ गए, अब x का मान जब 3 आ गया तो क्या करेंगे, जरा सोचो, यहाँ x बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो एक यही ना है, यानी है 1 में y बराबर कर्णी में 4x-3-1, तो y वैसे ही रखो कर्णी में 4 रखो, जहाँ x है तहाँ 3 रखो -3 - 1, तो y बराबर 4 तो 12 - 3 जाएगा 9 - 1, तो y बराबर 9 - 9 है तो 3 निकल जाएगा 3 - 1, तो y बराबर क्या आ गया 2, देख लो ध्यान से आ गया 2, तो आपका बिंदु पूछ रहा था तो बिंदु एक x का मान, तो x का मान आपका कितना आ गया है, हल किए थे तो x का मान आया 3 रख दो, y का मान आ गया 2 रख दो, यह हमारा आंसर आ गया, समझ लो, समझ आया पूरा टोटल, बिंदु निकालना देख लो समझ लो, तो बिंदु निकालने के लिए बस यही बात होगी, जब अवकलन करेंगे तो जहाँ dy/dx होगा उसके यहाँ पर 2/ हम लोग क्या रख देंगे 3 रख देंगे, रख कर हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन से 15 लग गया, अब उदाहरण नंबर 16 के पास हम लोग चलते हैं, तो ये भी मिटा दें,
सब किताब में आपका दिया, समझ लीजिए बस, लगाते रहिए। इसको दिखा देते, ये वाला दिखा देते। देखो उदाहरण नंबर हमसे सूत्र नंबर क्या कहता है कि प्रवर्ता दो वाले सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रवर्ता दो वाले सभी रेखाओं का समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा मुझे बताओ, समीकरण जब भी ज्ञात होगा तो इसका सूत्र क्या होता है समीकरण का? बराबर डी वाई बटा डी एक्स, ये हल हो गया, ये हल हो गया। सूत्र नंबर हल कर रहे हैं, उदाहरण 16 का दिया है बाबू, प्रवर्ता आपका दिया है, प्रवर्ता। अच्छा प्रवर्ता देगा तो इसका मतलब डी वाई बटा डी एक्स का मान दिया कितना, दो। और क्या दिया है, एक वक्र दिया है, और वक्र जो दिया है वाई प्लस दो बटा में एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। तो सुनो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक काम करना है हमें, जब देखो इस सवाल का मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है ना, पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। समीकरण पूछ रहा है, तो समीकरण होता है वाई माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन। तो हमें ये चाहिए, वाई वन चाहिए और एक्स वन चाहिए बस, बाकी समीकरण में वाई और एक्स तो हमेशा होता है, और डी वाई बटा डी एक्स का तो मान आपको मालूम है, दो दे दिया है, केवल एक्स और वाई चाहिए। हम इस दोनों को, ये जो वक्र देख रहे हैं, इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद एक्स और वाई के मान निकालेंगे, और वही एक्स और वाई के मान के समीकरण हम रख देंगे तो समीकरण निकल जाएगा। कुछ बात समझा, हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए ना, तो उसी को निकालने की कोशिश करना। चलो इधर कर दो, वाई बराबर ये हो जाएगा माइनस टू बटा में एक्स माइनस टी, हो गया इतना। अच्छा चलो थोड़ा और अच्छा बना लो, अंश बटा हर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस दो ही रखो, इसको ऊपर कर दो एक हाथ लगा कर, तो एक्स माइनस तीन के ऊपर माइनस एक हो जाएगा। देख लो जो भी नीचे रहेगा ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस एक। अभी आप लिखना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। चलो भाई डी वाई बटा डी एक्स, हाई माइनस दो ऐसे ही रखो, हाई घात माइनस एक आगे आ जाएगा, और इसमें से नियम क्या कहता है, हमेशा ही घटा देते हैं, बस समझ गए। तो हमारे पास क्या आ गया, दो आ जाएगा और एक्स माइनस तीन, एक क्या हो गया, दो हो गया, माइनस दो हो गया, जोड़ दीजिए तो डी वाई बटा डी एक्स का मान आ गया। लेकिन आप सवाल में देखिए, डी वाई बटा डी एक्स का मान दे दिया है, डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना दे दिया है, दो दिया है ना, तो यहाँ पर दो रखो, आओ यहाँ पर क्या रखना है, दो, तो दो रख दो बराबर, ये दो रहा एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर, दो से दो कैंसिल, तो एक बचेगा, और यहाँ पर एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो कर्ली के अंदर चला जाएगा, तो एक्स माइनस तीन होगा, अभी प्लस माइनस एक बाहर निकलेगा एक्स माइनस तीन के साथ, प्लस नहीं दोनों आप लेकर चलेंगे, प्लस माइनस के साथ हो गया। तो काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेगा तो का एक एक्स माइनस तीन, एक इधर आएगा प्लस तीन बराबर एक्स, तो चार हो गया, यानी एक एक्स का मान कहाँ आ गया, चार। फिर लिखना ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लोगे तो माइनस एक बराबर एक्स माइनस तीन, तो माइनस एक भाई प्लस तीन बराबर एक्स, तो दो हो जाएगा, तो एक एक्स का मान कितना आ गया, दो। अच्छा हमें तो एक्स का डबल मान मालूम चल रहा है कि वाई तो मालूम ही नहीं है, तो इसको क्या, इसको जो ये वाला हिस्सा है ना समीकरण एक मान लो, ठीक है। ऐसी में आप पहले लिखना यहाँ पर, पहले एक्स बराबर चार समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर, तो रख दो जहाँ जहाँ एक से तहाँ तहाँ हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे जो भी मान आपके पास उपस्थित है, हाँ रखते हैं। क्या है, वाई ऐसे ही रखो, माइनस दो रखो, एक्स बराबर चार रखो माइनस तीन, माइनस दो कटेगा तो ये, तो वाई बराबर क्या आ गया, माइनस दो, मान एक बिंदु आपको मिल चुका है, कौन एक्स का मान क्या रखे हैं, चार, तो वाई का मान आ गया है माइनस। अच्छा पुनः अब एक और बात है ना, यहाँ पर लिखना पुनः, अब एक्स बराबर क्या ले हुए, दो, समीकरण एक में रख लो, ठीक है, दो देख रहे हैं ना, इसको क्यों छोड़ोगे, जब इसको रखे तो इसको भी तो रखना पड़ेगा ना, आपने जब एक्स बराबर चार रखा तो एक्स बराबर दो भी रख लो एक में, चलो एक यही तो है, तो वाई लिखो,
माइनस दो रखो, अब बटा में एक्स का मान दो माइनस तीन, तो वाई बराबर माइनस दो माइनस एक, वाई बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, देखो काट दो यहाँ पर, ये माइनस माइनस कट गया तो केवल कहाँ आ गया दो, तो हमारे पास बिंदु कहाँ आ गए, एक सेकेंड मान दूसरा बिंदु आ गया, देखो ये दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु था आइए दूसरा बिंदु, एक्स का मान दो वाई का मान भी, और ये पहला बिंदु बना लेना, ठीक है। अब देखो क्या करोगे यहाँ से, अब लिखना पहला बिंदु क्या होता है, चार माइनस दो से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा की, चलो भाई सूत्र तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं y माइनस वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स, एक्स माइनस एक्स माइनस, तो यहाँ पर क्या करो y वैसे ही रखो, y1 का मान कितना है यहाँ पर देखो ना, ये x1 हो जाएगा y1, तो माइनस दो तो प्लस दो, और डी वाई बटा डी एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स का मान इतना दो दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर उठा कर रख दो, यहाँ से इसी फार्मूला से लगा रहे हैं हम लोग, तो दो रख लो यहाँ पर, आई एक्स माइनस एक्स वन चार है तो चार रख लो, तो वाई प्लस दो गुणा करोगे दो एक्स माइनस आठ, तो एक्स वालों के एक पक्ष में तो वाई माइनस दो एक्स माइनस आठ माइनस दो, तो वाई माइनस दो एक्स माइनस दस, अब चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और ही अच्छा से लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स पहले कर लो तो दो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा दो एक्स माइनस वाई बराबर दस, ये आपका निकल गया एक आंसर, एक आपका ये आंसर, ठीक है। अब आपका क्या है ना, दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु अभी निकाले थे यहाँ पर दो दो का समीकरण, तो एक्स वन वाई वन, तो सूत्र पर रख दो वाई माइनस वाई वन का मान दो, और डी वाई बटा डी एक्स का मान देखो यहाँ पर दो दिया है, तो दो रख लो, और एक्स माइनस दो रख लो, तो वाई माइनस दो ये गुणा करोगे दो एक्स माइनस चार, वाई माइनस दो एक्स माइनस चार प्लस दो, वाई माइनस दो एक्स माइनस दो, इधर कर दो माइनस कॉमन ले लो, तो दो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, माइनस माइनस कर दो तो दो एक्स माइनस वाई बराबर दो, एक हमारा ये आंसर आ जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर। स्वयं का एक प्रश्न सवाल में ही कहा कि प्रवणता दे दिया इतना, और ये वक्र दे दिया है, और स्पर्श रेखा की समीकरण पूछा, तो वाई बराबर हो जाएगी इतना, अवकलन कर देंगे, अवकलन करने के लिए जोहर में देख रहे हैं एक्स माइनस तीन ऊपर कर देंगे माइनस, और ये अंक जगह वहीं उतर आ जाएगा जो माइनस एक है पहले आ जाएगा, और इसमें से हमेशा अवकलन में ये घटा देते हैं, तो माइनस दो, और उसके बाद इतना आ गया, ठीक है। और डी वाई बटा डी एक्स का मान दो दिया है तो दो भर दो, यहाँ पर दो भर दिया गया, ये जैसे वैसे दो से दो कट गया, इतना बच गया, इसका करने में एक, तो यहाँ से प्लस माइनस के साथ निकलेगा, तो एक बार धन चिन्ह लेने पर तो एक प्लस के साथ लेंगे, एक्स माइनस तीन इधर आएगा तो प्लस तीन, तो एक्स का मान एक चार आएगा, एक ऋण चिन्ह लेने पर तो ये माइनस एक हो जाएगा, बाकी ये जैसे वैसे ही लिखेंगे, इधर प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो दो। अब आपको एक्स का मान निकल गया, वाई निकालना है, तो इसको समीकरण नंबर एक माने यहाँ पर, तो आप पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर चार समीकरण एक में रख दो, तो जहाँ एक से तहाँ चार, तो माइनस दो हो गया, और चार में से तीन जाएगा एक, तो माइनस दो हो जाएगा, तो आपने जब एक्स का मान चार रखा तो वाई का मान माइनस दो हो गया, पहले एक्स का मान तो वाई का मान लिखा जाता है, फिर उसके साथ आपने तो पहला बिंदु हो गया, फिर आपने क्या किया कि जो एक्स का दूसरा मान है दो, तो एक्स वाला दो समीकरण फिर एक में इसमें आपने रख दिया, तो माइनस दो था वैसे ही लिखे, और फिर आपका जो एक्स है दो लिया है तो दो रख दिया, घटेगा तो माइनस एक कैंसिल, तो दो हो गया, तो दूसरा बिंदु एक्स का मान दो रखे हैं, वाई का मान भी दो। अब यहाँ से पहले बिंदु से समीकरण माने, अब यहाँ से आप समीकरण जो प्रश्न में पूछा आप यहाँ से बना रहे हैं, तो पहले बिंदु का समीकरण है, तो पहला बिंदु देख रही है चार माइनस दो हमने रख दिया, एक्स वन वाई वन हो जाएगा, जो सूत्र होता है सूत्र थोड़ा सा नोट कर देते हैं यहाँ पर, वाई माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स, और एक्स माइनस एक्स वन इसी पर रख दिया गया है, तब हमारा हल किया गया तो इतना आ गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु आपका दो दो आया है, तो इसके लिए भी समीकरण है, इसके लिए भी यही सूत्र यूज करेंगे, ये वाला सेम वाई माइनस वाई वन, और इस तरीके से रखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाए। समझ में आया? चलो अब उदाहरण नंबर आते हैं हम लोग, कितना
ये तो 16 कंप्लीट 17 को चलते हैं। कहाँ कह रहे थे क्वेश्चन पढ़ लो बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान विधि से हम आपको बता देते हैं। बिंदु निकालना है, क्या निकालना है बाबू, बिंदु। चलो उदाहरण नंबर हम लोग 17 के पास चल रहे हैं, इस पर उदाहरण 17 का दिया था ना, बोल दो सवाल यह सवाल आपका लिखा है। हाँ एक्स स्क्वायर बटा चार प्लस पच्चीस बराबर एक। अच्छा कह रहा है ना ये नंबर कहा होगा कि एक्स अक्ष के समांतर कह रहेगा, एक्स अक्ष के समांतर, अभी आपका दिया है वाई अक्ष के समांतर। बहुत सिंपल बहुत सिंपल। अब कहाँ निकालना है दोनों में, बिंदु। अब बिंदु का मतलब जानते ही होंगे कि एक्स और वाई के मान हमको निकालना है, यही मान हमको ज्ञात करना है। सवाल जैसे कहा वक्र दिया हमने, वक्र को लिखा, उसके बाद से जो एक्स अक्ष के समांतर उसको कहा गया उसको लिखा, वाई अक्ष के समांतर उसको लिखा, और बिंदु आपका दिया उसको हमें निकालना है। जरा सोचो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो ए नंबर हल करते हैं आप, पहले एक चीज़ बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा में चार है प्लस वाई स्क्वायर बटा में पच्चीस है बराबर एक है, लेकिन जब एक्स अक्ष के समांतर कहेगा तो वाई का मान हो जाएगा जीरो। वाई का मान कितना हो जाएगा, हाँ ना एक्स अक्ष के समांतर कह रहे हैं ना, तो एक्स का मान जीरो होगा। किसका मान, अच्छा देख लो ये कहाँ है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा जा रही है तो वाई पर अक्ष पर काटेगी तो वाई का तो मान होगा, लेकिन एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्स का मान जीरो। तो आ जाओ तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण एक होगा ना, तो अब लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो जहाँ एक्स होगा तहाँ जीरो रखा जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर बटा में चार प्लस वाई स्क्वायर बटा में पच्चीस बराबर एक, तो ये भी टोटल जीरो, वाई स्क्वायर बटा में पच्चीस बराबर एक, तो वाई स्क्वायर बराबर पच्चीस, तो वाई बराबर करने में कहा गया पच्चीस, तो वाई बराबर निकल गया प्लस माइनस पाँच, प्लस माइनस कहा गया पाँच। ठीक है, तो यहाँ का बिंदु का निर्देशांक कहा गया, तो समझो बिंदु का निर्देशांक या बिंदु पूछ रहा है, तो एक्स का मान जीरो है ना, तो वाई का मान एक बार पाँच लगा के लिख दो, एक बार एक्स का मान जीरो लिखो तो वाई का मान माइनस पाँच लगा के लिख दो। तो समझ लेना बाबू, जब भी कहेगा एक्स अक्ष के समांतर तो हमने एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचा, तो वाई पर कटेगा तो वाई का तो मान रहेगा, लेकिन एक्स का मान कहाँ रहेगा, जीरो, तो हमारे पास वाई का मान निकल गया, तो एक जीरो पाँच एक जीरो माइनस पाँच, क्योंकि वाई वाला को हमेशा बाहर रखा जाता है। इधर समझ गए, हाँ चलो अब आते हैं बी नंबर, बी नंबर वाई, देखो ध्यान से क्या दिया, एक्स स्क्वायर बटा में चार प्लस वाई स्क्वायर बटा में पच्चीस बराबर एक है, जब वाई अक्ष के समांतर कहेगा, जब वाई एच के समांतर कहेगा तो यहाँ पर आ जाओ, अब तो ये से जाएगा ना, तब तो एक्स पर काटेगा, तो वाई इसका मतलब हुआ कि वाई का मान जीरो हो जाएगा, वाई का मान क्या हो गया जीरो, तो फिर इसको तो समीकरण का आप माने ही है, तो लेकिन ना समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो एक्स स्क्वायर बटा में चार अभी वाई का जीरो हो जाएगा बटा में पच्चीस बराबर एक, तो एक्स स्क्वायर बटा में चार इधर लिखते हैं और ऊपर एक्स स्क्वायर बटा में चार बराबर एक, तो एक्स स्क्वायर बराबर चार एकम चार, तो एक्स बराबर करने में चार, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस दो, दो हो जाएगा, तो बिंदु आप जब निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, एक्स का मान एक दो लिखो वाई का मान जीरो, एक्स का मान एक माइनस दो लिखो वाई का मान जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया, चलो अब आते हैं उदाहरण नंबर किसके पास, ये कौन था 17 कंप्लीट, उदाहरण नंबर 18 पाते हैं, 18 नंबर पाते हैं उदाहरण 18। देखो उदाहरण 18 आपसे कह रहा है कि y बराबर x माइनस सात x माइनस दो x माइनस तीन के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदु पर स्पर्श रेखा को ज्ञात करना है जहाँ एक सच को काटती है, जहाँ किसको काटती है, अच्छा देखो ध्यान से क्या पूछा है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है क्वेश्चन में,
किसका समीकरण, और स्पर्शक का समीकरण होता है वाई माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या है? ये तो स्पर्श रेखा की समीकरण है और यही मान आपसे पूछा गया। बस समझ रहे? और देखो ध्यान से, आपके सवाल में क्या दिया है बाबू, वाई बराबर दिया है, जो वक्र है वाई बराबर दिया है एक्स माइनस सात बटा में एक्स माइनस दो और एक्स माइनस तीन, इतना दिया है। ये आपका मान वक्र दिया है और एक्स अक्ष पर रेखा काटती है, एक्स अक्ष पर काटती है। तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब रेखा एक्स अक्ष पर काटेगी, किस पर काटेगी, बना के समझाता हूँ। जैसे मान लो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जब रेखा एक्स अक्ष पर काटेगी देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई का मान होगा जीरो। वाई का मान क्या होगा? अच्छा, ये मेन समीकरण, इसको एक मान रहेगा, ठीक है, वाई का मान होगा जीरो। अब इसको एक मान रख दो तो वाई का मान जीरो, आई एक्स माइनस सात वैसे ही रखो, आई एक्स माइनस दो रखो, एक्स माइनस तीन रखो, चलो तीसरा तीसरी गुणा करो, पहले एक में करो तो एक्स माइनस सात भाई, तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, सात। एक्स बराबर सात आ गया, आ गया ना, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ देखो आया था आपका जीरो बटा एक और एक्स माइनस सात बटा में एक्स माइनस दो और एक्स माइनस तीन। जब गुणा करेंगे इसके इसमें तो एक्स माइनस सात ये हो जाएगा जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया, सात। तो बिंदु आपको मिल चुका है, कितना मिला बाबू, एक्स का मान सात और वाई का मान जीरो। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमको मालूम हो चुका है ना, ये एक्स वन है और क्या है वाई वन। हमें एक्स वन, देखो एक्स वन और वाई वन ये दोनों मिल चुका है, आई एक्स वाई तो हमेशा रहता ही है, केवल हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान चाहिए। तो जो समीकरण एक होता है इसको आकलन कर दो, यहाँ पर लिख लो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, कर इसका अवकलन कर दें, करना जानते ही होंगे, जब इसका अवकलन करोगे तो मैं बता देता हूँ, अंश बटा हर से कर लेना, हो जाएगा ना अवकलन। तो जब इसका टोटल तुम अवकलन करोगे तो आ जाएगा, देख लो ध्यान से, डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक माइनस वाई और दो एक्स माइनस पाँच और नीचे एक्स माइनस दो और एक्स माइनस तीन आ जाएगा, हल करके देख लो, ठीक है बात को। अब यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स सही रखो, चलो वाई का मान कितना है, अच्छा एक मिनट एक मिनट, इसको हटाओ, अवकलन करके ही दिखा देते तुमको पूरा टोटल करो, तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब हर, अच्छा हर में गुणा कर दो, तो जब गुणा कर दोगे ना तो एक्स स्क्वायर देखो आ जाएगा, ये काम करो, इसको यहाँ वाई पहले लिख लो, पहले लिख लो एक्स माइनस सात, अभी गुणा करके हल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन दो पाँच एक्स प्लस छः आ जाएगा, ठीक है। अब अवकलन करो तो डी वाई बटा डी एक्स, पहले आपके हर आगे आ जाएगा, तब डी डी एक्स, तब अंश, तब माइनस, तब जा एक्स माइनस सात आ गया, तब डी डी एक्स, तब एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः, और नीचे जो है इसका होल स्क्वायर कहाँ आ गया, होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, थोड़ा और बता दें आपको, बता दे रहे हैं सब, खाली इसको रहने दीजिए। अब क्या करना है जरा देखो, यहाँ हमारे पास है डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये तो पहले वाला वैसे ही रह जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस कितना है सिक्स, और ये एक्स माइनस सात का एक हो जाएगा, देख रहे हो ना, एक्स माइनस सात है तो इसका एक्स का एक हो जाएगा, सात का जीरो भाई, जैसे एक्स माइनस सात है इसको ऐसे ही लिखो, गुण है इन सबका करो दो एक्स माइनस पाँच, तो लिख लेना दो एक्स माइनस पाँच, और नीचे जो हर है उस हर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो पहले ही है एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः इसका होल स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स भाई ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः, उसका भी उसमें गुणा कर लो, ऐसे ही भरो, चलो एक्स माइनस सात है और दो एक्स माइनस पाँच है, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः इसका स्क्वायर। अच्छा एक्स का मान कितना है, सात है ना, तो एक्स बराबर सात इसमें भर दो, क्या कर देंगे हम लोग, भर देंगे,
तो जब पूरा x बराबर 7 उसमें भरेंगे, क्योंकि है अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के बाद जो x का मान होगा उसको भरेंगे, तो आप जब भर कर देखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 1/20 आ जाएगा। 1/20 कितना आ गया? 20। अच्छा आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा भर करके, आ जाएगा 1/20। चलो हमें तो समीकरण बताना है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, और समीकरण के लिए जो फार्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे अभी आपको बताया जा रहा था, उसी को आप इसमें यूज कर देंगे। देखो समीकरण पूछ रहा है, सूत्र क्या होता है, y-y1 = dy/dx और x-x1, यही तो होता है। और हमको y1 और x1 प्राप्त हो चुका है, इसका मान इसमें क्या कर देंगे, भर देंगे, भर देंगे, तो y वैसे ही रखो यहाँ पर, माइनस y1 का मान कितना है निकला है ना, बिंदु आपका, बिंदु मालूम है, बिंदु आपको मालूम हो चुका है यहाँ पर, बिंदु अगर है 0 और 7 है ना, तो है तो x1 हो जाएगा, ये y1, तो y1 का मान 7 और dy/dx का मान 1/20 और x-x1 का मान 0। चलो हो तो गया, सिंपल सा सवाल था आपका, 20 से गुणा कर दो, 20y-7 = 140 = x, x की इधर करो चाहे करे उधर कर दो, x को सही रखो इसको करोगे तो -20y, ये +140 = 0, ये हमारा कहा जाए आंसर, समझ में आया? बन जाएगा, देख लेना, थोड़ा सा लंबा है लेकिन भाई कुछ नहीं, हमें x1y1 चाहिए, और एक सच पर जब कह दिए तो y का मान 0 और 0 भर दोगे तो y के निकल जाएगा, फिर अवकलन करके y x का मान भर देना, ये निकल जाता है आपका, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर किसके पास, अनीस के पास आ जाते हैं, खूब बढ़िया, आप जाइएगा बनाइएगा इसको। तो उदाहरण नंबर हम लोग आते हैं अनीस के पास, देखो उदाहरण जो अनीस है वो हमसे कहता है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वक्र आपका दिया है, अनीस नंबर में वक्र दिया है, x के ऊपर 2/3 प्लस y के ऊपर 2/3 बराबर का दे दिया है 2, तो क्या कह रहा है कि बिंदु बिंदु दे दिया, देखो ध्यान से, एक एक दे दिया है, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण बताना है, क्या क्या बताना है, स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है, फिर अभिलंब रेखा का समीकरण आपको बताना है। हमें सवाल में क्या है ना, सवाल से पता चल रहा है क्या दे दिया, सवाल से हमें पता ही चल रहा है कि हमारे पास x1 और y1 पता हो चुका है, सवाल हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, उसके बाद से जो सूत्र होता है उस पर रख देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा, बस समझ रहे। चलो तो क्या करोगे, अवकलन करो, ये समीकरण नंबर 1 है, लेकिन समीकरण 1 का अवकलन करने पर करो एक अवकलन, तो लिख लो dx, x को ऊपर 2/3 dx, y को ऊपर 2/3 dx और 2, और ये 2/3 आ गए, इनमें से घट जाएगा, ये 2/3 आ गए, इसमें से भी ये घट जाएगा 0, तो 2/3 -1/3 लसन हल कर दोगे तो 2/3 और y के ऊपर -1/3 0, यहाँ से 2/3 काम सेम है, तो x के ऊपर -1/3 y के ऊपर -1/3 = 0 इधर आ जाते हैं, तो आप 2/3 में बटा में कर दो, तो x के ऊपर -1/3 प्लस y के ऊपर -1/3 तो 0 हो जाएगा, इतना आ गया आपके पास, ठीक है, ऐसा सा मिस्टेक हो गया। जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो यहाँ पर dy/dx रहेगा सब में, ठीक है ना, y x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ भी dy/dx है, तो y के ऊपर -1/3 dy/dx, ऐसा लेकर जाएंगे तो -x के ऊपर 1/3 और फिर dy/dx -x के ऊपर 1/3 बटा में जाएगा y के ऊपर -1/3 फिर dy/dx, चलो भर दो, ठीक है, इसको पलटो ना, ऊपर कर दो तो 1/3 प्लस में x के ऊपर 1/3 y बट प्लस में dy/dx, हमारे पास दो बिंदु दिया है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो एक और एक दिया, एक ये भी है एक ये भी है, तो x और y के मान है, तो जहाँ इसमें समीकरण देख रहे हैं, जहाँ x है तहाँ 1 बदलो, जहाँ y है तहाँ
तो एक के ऊपर एक बटा टी, यहाँ भी एक के ऊपर एक बटा टी, तो डी वाई बटा डी एक्स हल करोगे तो केवल का आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ गया। अब बहुत आसान है, तो हमको बिंदु प्राप्त हो चुका है, बिंदु मालूम है एक एक, हाँ डी वाई बटा डी एक्स मान आपको मालूम हो चुका है एक, एक्स वन हो गया वाई वन। तो पहले तो बताना है स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या होता है ना, y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स और x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर y लिख लो, y1 है एक और डी वाई बटा डी एक्स का मान है एक, x माइनस देखो x1 का मान भी कितना है एक है, एक भर दो तो y माइनस एक एक्स माइनस एक, इसको वैसे ही रखो x माइनस वन को, y के लेके जाओ माइनस वन, किसी को भी जो देख रहे हो इसको भी लेके जाओगे तो माइनस वाई प्लस एक, तो वो प्लस एक से एक कैंसिल खाली हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। तो ये हमारे पास किसका निकल गया, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। अब आपको अभिलंब है, यहाँ पर लिख सकते हैं अभिलंब का समीकरण, तो होता है वाई माइनस वाई वन माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स और एक्स माइनस एक्स। वाई माइनस वाई वन का मान एक है माइनस एक, इसका भी एक है और एक्स माइनस एक है, वाई माइनस एक है गुणा कर दो माइनस एक्स प्लस एक, तो इधर लेकर आ जाओ तो वाई माइनस एक प्लस एक्स माइनस एक बराबर जीरो। तो तब सजा के लिख लो, पहले एक्स लिख लो तब वाई तब माइनस दो बराबर जीरो, तो आपका दूसरा समीकरण निकल गया। तो ध्यान से समझ लो, समझे लो, बहुत बढ़िया सवाल था, ये दिया है, ये बिंदु दिया है और हमें स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण। जब भी समीकरण पूछेगा तो इसका मतलब होता है कि इसी फार्मूला पर आपको रखना है, बिंदु मालूम है एक्स वन वाई वन का मान, तो सवाल दिया उसको अवकलन करो, फिर जो बिंदु है उसको रखो, हमें क्या आ जाएगा, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी सवाल इस टाइप के आते हैं तो इसको हम लोग हल करते हैं। अब अंतिम उदाहरण है, कह रहा है कि दिए गए वक्र एक्स बराबर ए साइन के ऊपर थ्री टी और वाई बराबर बी कॉस के ऊपर थ्री टी है, जहाँ टी के जगह पर पाई बटा दो रखना है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलो कंप्लीट कर लिया हम लोग आज एग्जांपल, एग्जांपल है ना, इस लगा लिया 20 पर चल रहा हूँ। मिटा रहे एग्जांपल 20, बस इतना में हो जाएगा, आसान है बहुत। चलो पहले तो क्या कह रहे हैं एग्जांपल 20 में, कि हमारे पास दो वक्र दिया है, एक दिया है x बराबर क्या दिया है बाबू, a दिया है क्या, हाँ एक क्या दिया है y बराबर बी कॉस क्यू टी, और दे दिया है कि जहाँ t है तब पाई बाई टू। तो पहले देखो यहाँ से तो बिंदु हमको प्राप्त हो चुका है, मैं समझो कि जो x का मान है ये x1 हो जाएगा, ये y, ये दोनों बिंदु रखा जाएगा, ठीक है। जब अभी हम लोग रख देंगे पाई बाई टू, हमें क्या करना है, हमें बस अवकलन करके डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो पहले लिख लो यहाँ पर, ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर लिखना है टी के सापेक्ष अवकलन करना, हो गया तो डी एक्स बटा डी टी। सुनो ये वैसे ही रखो, हाई थ्री पहले घात के लिए करेंगे ना, तो थ्री आ गए इसमें से घट जाएगा टी, और फिर साइन का जो होता है कास टी उसको लिख लो, तो आ जाएगा थ्री ए साइन स्क्वायर टी कास टी। ठीक है, समीकरण में इसको कहाँ मान लोगे, एक मान लो, यहाँ पर भी लिखना है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बटा डी टी करो, तो बी वैसे ही लिखो थ्री आ गए और एक घटा दो टी, फिर कास का होता है माइनस साइन टी इसको लिखो, तो थ्री बी कॉस स्क्वायर टी और साइन टी माइनस आई कर दो, इसको दो मान। हमें कहाँ निकालना है, तो यहाँ लिख लेना समीकरण दो में समीकरण एक से, अच्छा भाग देने पर, क्यों भाग दे रहे मालूम है, भाग देने पर इसलिए कि ये ऊपर आ जाएगा, देखो डी वाई बटा, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, डी टी लिखना डी वाई बटा डी टी, टी के सापेक्ष करें, ये आपका है डी एक्स बटा डी टी, ये वाला है माइनस थ्री बी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये वाला है थ्री ए साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो कॉस से स्क्वायर, स्क्वायर से साइन, थ्री से थ्री, डी टी से डी टी, क्या बचा हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स बचा बराबर, और क्या बचा है
बचा है बी कॉस टी ए साइन टी, बी कॉस टी ए साइन टी, या बी बाई ए ये कॉट टी, या बी बाई ए काज पर साइन कॉट में कॉट टी के जब पाई बाई क्या दिया फोर है क्या दिया पाई बाई टू दिया है। एक बार और देख रहा किताब में देख लो टी बराबर नीचे पाई बाई टू दिया है। चलो भाई तो पाई बाई टू है तो यहाँ कॉट पाई बाई टू तो कॉट यहाँ पर हो जाएगा नब्बे। कॉट नब्बे का मान तो इन्फाइनिटिव होता नहीं, कॉट नब्बे का मान जीरो होता इन्फाइनिटिव नहीं, बी बटा ए कॉट नब्बे का मान जीरो तो ये टोटल जीरो आ गया डी वाई बटा डी एक्स का मान। ठीक है डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना आ गया जीरो आ गया। ओके सही है तो अब हमको करना क्या है क्या पूछ रहा है रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो पहले सुनो ध्यान से हमें बिंदु पहले चाहिए ना बिंदु, तो बिंदु में क्या क्या है एक तो आपके पास क्या है तेन ध्यान दो एक तो ये है लेकिन फिर टी के जबर कितना रखना है आपको पाई बाई टू तो साइन नब्बे हो गया साइन नब्बे हो गया ना पाई बाई टू का मतलब साइन नब्बे तो साइन नब्बे का माने एक तो खाली ए आ जाएगा खाली कहाँ आ गया ए और यहाँ पर रखोगे तो कास नब्बे का मान जीरो तो हमें एक्स वन मालूम और वाई वन मालूम। ठीक है समझ गया पूछा था सिंपल से हल कर लेना वाई वैसे ही देखो वाई वन का मान जीरो और डी वाई टू डी एक्स का मान जीरो और एक्स माइनस एक्स वन का मान ए तो वाई माइनस जीरो पूरा गुणा होगा जीरो वाई बराबर जीरो ये हमको काम मिल गया समीकरण मिल गया। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लगाए आज ये समाप्त हुआ कल हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे।